हेलो फ्रेंड्स, रत्ना मिर्चाई के में आपका वेलकम है। तो फ्रेंड्स, आज मैं चार फ्लेवर में अमेरिकन स्वीट कॉर्न की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बारिश के मौसम में कोई स्वीट कॉर्न का नाम ले ले तो मुंह में पानी आ जाता है। तो आज हम तीन ज़बरदस्त स्वीट कॉर्न भी बनाएंगे और साथ में चाट भी बनाएंगे, जो सभी को बहुत ही पसंद आती है। सबसे पहले हम स्वीट कॉर्न को बॉईल करेंगे। तो ये मैंने 4 कप फ्रेश स्वीट कॉर्न लिए हैं। अगर आप फ्रोजन स्वीट कॉर्न ले रहे हैं तो आप इसे 5 से 10 मिनट ही बॉईल करें, क्योंकि वो पहले से ही थोड़े से सॉफ्ट रहते हैं। हम इसे 20 से 25 मिनट इसे बॉईल करेंगे। तो थोड़ा सा हम इसमें पानी डाल देते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। इसे ढक देते हैं ताकि कॉर्न जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। आप इसे बीच बीच में इस तरह से हिलाते रहें। पच्चीस मिनट हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, स्वीट कॉर्न कितने अच्छे फूले फूले दिख रहे हैं। स्वीट कॉर्न को आप हाथ से दबाकर इस तरह से चेक कर सकते हैं और ये देखिए कितने सॉफ्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्लासिक बटर स्वीट कॉर्न। बाउल में 1/2 चम्मच बटर लेंगे। अब हम इसमें गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न डालेंगे। तो ये मैंने 1 कप स्वीट कॉर्न लिया है और इसमें आपको गरम ही स्वीट कॉर्न डालना है ताकि जो बटर है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। इसमें 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच नमक। मैंने सॉल्टेड बटर लिया है इसलिए मैंने नमक थोड़ा सा डाला है, आप टेस्ट के अनुसार इसमें डालें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा क्लासिक बटर स्वीट कॉर्न बनकर तैयार हो गया है। जिस तरह मॉल में मिलते हैं ना स्वीट कॉर्न पेपर ग्लास में, सेम हम उसी तरह इसे भी सर्व करेंगे। तो ये हमारा क्लासिक बटरी बटरी स्वीट कॉर्न बनकर तैयार हो गया है। अब नेक्स्ट बनाएंगे देसी मसाला स्वीट कॉर्न। सेम उसी बाउल में हम 1/2 चम्मच बटर डालेंगे। ये मेरा होममेड बटर है और इसमें गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न डालेंगे। इसमें गर्म ही आपको स्वीट कॉर्न डालना है। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। इसे आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आप होममेड बटर की रेसिपी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नीचे लिंक शेयर की है। अब हम इसे और टेस्टी बनाने के लिए 1/2 चम्मच मेयोनीज डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसे डालें, इससे टेस्ट इसका और अच्छा आएगा। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे पेपर कप में सर्व करेंगे। तो गर्मा गर्म ये हमारा देसी मसाला स्वीट कॉर्न बनकर तैयार हो गया है, बिल्कुल मॉल स्टाइल में। और बारिश के मौसम में गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। अब नेक्स्ट बनाएंगे चीज़ी स्वीट कॉर्न। तो उसके लिए 1/2 चम्मच बटर लेंगे और इसमें गर्मा गर्म स्वीट कॉर्न लेंगे, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच नमक,
आधा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच ऑर्गेनो, आधा चम्मच मेयोनीज। हम चीज़ी स्वीट कॉर्न बना रहे हैं तो उसके लिए मैंने ये प्रोसेस चीज़ लिया है। इसे इस तरह से कद्दूकस कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें अपने टेस्ट के अनुसार भी चीज़ डाल सकते हैं। इसे मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे पेपर कप में सर्व करेंगे। तो ये देखिए कितना क्रीमी और कितना चीज़ी बना है ये। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, तो आप ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें। बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी, बहुत ही टेस्टी लगता है ये खाने में। और अब हम इस पे ऊपर से भी थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डाल देंगे। अब नेक्स्ट बनाएंगे जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है और सबकी फेवरेट होती है, कॉर्न चाट। तो बाउल में आधा चम्मच बटर लेंगे, एक कप गर्मा गर्म कॉर्न डालेंगे, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़े से बारीक कटे हुए टमाटर, थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच चाट मसाला, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच सादा नमक, ग्रीन चटनी, मीठी चटनी, आधा चम्मच नींबू का रस, बारीक सेव, ये जो खमन में डालते हैं ना, ये मैंने वही सेव डाली है इसमें, आधा चम्मच मेयोनीज, इससे चाट का टेस्ट और अच्छा आएगा। और सभी चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें आलू की सेव को बारीक करके भी डाल सकते हैं, इससे टेस्ट चाट का और अच्छा आएगा। तो अब हम इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए हमारी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में चाट बनकर तैयार हो गई है। मैंने आपको चार टाइप से अमेरिकन स्वीट कॉर्न बनाना बताए हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से बना सकते हैं। ऊपर से थोड़ी सी और सेव डाल देते हैं, बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए टमाटर और थोड़ी सी हरे धनिया की पत्तियां डाल देंगे। तो ये देखिए हमारी स्ट्रीट स्टाइल अमेरिकन चाट बनकर तैयार हो गई है। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है और खाने में भी ये उतनी ही चटपटी है।